नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G71 5G versus Realme 9 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G71 5G में 6.34 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि G71 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो G71 5G में 2.91 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि G71 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो G71 5G में 0.33 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G71 5G में 179 ग्राम्स जबकि 9 Pro Plus 5G में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G71 5G में AMOLED जबकि 9 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G71 5G में 83.18% जबकि 9 Pro Plus 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G71 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G71 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G71 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G71 5G में Adreno 619 जबकि 9 Pro Plus 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और 9 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो G71 5G में 6GB की RAM मिलती है, जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G71 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G71 5G में Android V11 जबकि 9 Pro Plus 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी G71 5G में 5000 mAh जबकि 9 Pro Plus 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G71 5G में 2 कलर्स जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 Pro Plus 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटो G71 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Vivo V20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।